आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अपने दूसरे कार्यकाल के गोरखपुर में पहले जनता दर्शन में मंगलवार को हिंदू सेवाश्रम में पहुंचे 95 महिला पुरुषों की सीएम ने सुनी समस्याएं। फरियादियों की शिकायत पर सीएम योगी ने विदेश भेजने में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाए जाने के दिए सख्त निर्देश। वहीं मासूम श्रेयांश को किडनी के इलाज में मदद करने का दिया भरोसा। मंगलवार को गुरु गोरखनाथ का पूजन कर सीएम योगी ने की गो सेवा। बदले मौसम में गायों एवं गोवंशियों को देखभाल की दी जरूरी हिदायतें। तत्पश्चात दुलारा अपने प्रिय स्वान गुल्लू और कालू को। शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने 5 सदस्यीय टीम का किया गठन। कहा, टीम गांव में जाकर प्रधान अध्यापक आंगनबाड़ी सहित अन्य फ्रंट लाइन वर्कर से संवाद स्थापित करके लोगों को शासन की योजनाओं से कराएगी अवगत। लोगों को मिलेगा योजना का लाभ। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जिले में 1 अप्रैल से 140 से ज्यादा खोला गया गेहूं क्रय केंद्र। समर्थन मूल्य के आधार पर सभी केंद्रों को गेहूं खरीद के लिए किया गया है निर्देशित। किसान भाई क्रय केंद्र पर ही बेचें अपने गेहूं को। वासंतिक चैत्र नवरात्र के चौथे दिन मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर स्थित मां दुर्गा के गर्भगृह में माता कुष्मांडा देवी की मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने किया पूजा अर्चना तथा आरती। तत्पश्चात वितरित किया गया प्रसाद। तीस अप्रैल तक भूसा बनाने वाली मशीन पर लगी रोक को हटाने के लिए किसानों ने जिलाधिकारी को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। वहीं जिलाधिकारी ने स्ट्रिपर के माध्यम से भूसा बनाने पर लगी 30 अप्रैल तक रोक को घटाकर किया 15 अप्रैल तक। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मनाई गई महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज की जयंती। कहा, त्याग समर्पण और सेवा की प्रतिमूर्ति है महर्षि कश्यप एवं निषाद राज। माइक्रोसॉफ्ट में गोरखपुर की छात्रा सानिया गोयल को 42 लाख रुपए का प्लेसमेंट मिलने पर माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सानिया को किया गया सम्मानित। कहा, लगातार प्रयास करने से जरूर प्राप्त किया जा सकता है सफलता। और चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन मंगला माता मंदिर में माता की चौकी का किया गया आयोजन। मंदिर में पहुंची महिलाओं ने मां के महिमा का गीतों के माध्यम से किया गुणगान।